पानी की कमी और सूखे के लिए कुख्यात बुंदेलखंड के किसान फसलों में लगने वाली बीमारियों से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैले बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में मूंगफली की फसल बर्बादी के कगार पर है। खरीफ सीजन की इस फसल से किसानों को काफ़ी उम्मीद थी। इस मुश्किल घड़ी में कृषि विभाग भी किसानों की मदद करने में असमर्थ है। बुंदेलखंड में इस खरीफ सीजन में बड़े पैमाने पर मूंगफली की बुआई हुई है। किसानों ने उड़द, मूंग और तिल पर इसे तरजीह दिया, लेकिन अब कुछ किसानों के लिए नुकसानदायक भी साबित हो रही है। कहा जा रहा था कि मूंगफली में कीट और रोगों की समस्या नहीं होती। प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त थे किसानों को लगा कि मूंगफली की खेती से उनकी तकदीर बदलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के जिले हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा और चित्रकूट में भी मूंगफली की खेती को बढ़ावा मिला है। बुंदेलखंड के छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ के सैकड़ों किसान परेशान हैं। करीब 1000 एकड़ जमीन में बोई गई मूंगफली की फसल बीमारी के प्रकोप से खेतों में सूख रही है। कई जगह फसल को दीमक ने अपनी चपेट में ले लिया है। बीमारी छतरपुर तहसील के गाँवों में फैली है, जहाँ किसान फसल को बेचने को लेकर परेशान और चिंतित हैं। किसान परेशान हैं, लेकिन विभाग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसानों का आरोप है कि कृषि अधिकारी उनकी सुध ही नहीं ले रहे हैं। फसल को बीमारियों के प्रकोप से बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा ना तो कोई एडवाइजरी जारी की गई है, ना ही कोई जांच दल का गठन किया गया। कृषि विभाग के मैदानी अमला के तौर पर ग्राम सेवक किसानों की सूचना पर उनके खेतों में जा रहे हैं। ग्राम सेवक के अनुसार कई जगह दीमक लगी हुई है। विभाग के पास दवाई उपलब्ध अभी नहीं है, तो किसान को दवा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।